today for the release of the very popular Science Monthly magazine. आज ये जो विमोचन हुआ है मंथली मासिक विज्ञान की पत्रिका का, वो हिंदी और उर्दू भाषाओं में, अंग्रेज़ी में थाई, इसके अतिरिक्त तो बहुत सी वर्नैक्युलर भाषाओं में भी हमारी पत्रिकाएं तैयार हो चुकी हैं, उदाहरण के तौर पर तेलुगु में, मलयालम में, मैथिली में। अगले चरण में कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद, हम डोगरी, कश्मीरी, उड़िया और पूर्वोत्तर की कुछ भाषाओं को लेकर के भी इस प्रकार की पत्रिकाएं विमोचित करेंगे। और इसका, इसके पीछे का भाव ये है कि अपनी भाषा में हर व्यक्ति को विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर मिले, ताकि भाषा का ज्ञान या अंग्रेज़ी का ज्ञान ना होने के कारण उसे कोई डिसएडवांटेज ना रहे अपने करियर की आगे की प्रगति में। लेकिन साथ ही साथ, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सदा इस बात पर बल देते रहे हैं कि जितनी सरलता से कोई व्यक्ति या कोई युवा या कोई विद्यार्थी या कोई छात्र अपनी भाषा में किसी विषय को समझ सकता है, शायद वो अंग्रेज़ी या अन्य भाषा में ना समझ पाता हो। और बिल्कुल उन्हीं की सोच और उन्हीं के नसीहत को आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में। और साथ ही साथ अब हमारे पास चुनौती रहेगी ट्रांसलेशन की, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ तक के जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं, भले ही इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर भी स्थानीय भाषाओं में, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध रहें। और उसके लिए अनुवाद करने वाले ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें उस विज्ञान या उस विषय का भाव समझ में आता हो, ना कि प्रोफेशनल ट्रांसलेटर जो गूगल इत्यादि का सहयोग लेते हों, क्योंकि उससे कई बार अनुवाद उसी के अनुकूल ना होने के कारण या उसी स्तर का ना होने के कारण जो विद्यार्थी है उसको कभी कभी डिसएडवांटेज हो। कोविड के दौरान भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। DNA वैक्सीन जो पहला था, वो उसको डेवलप करने का कार्य हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने किया। यहाँ फरीदाबाद में हमारी लेबॉरेटरी है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस लेबॉरेटरी, वहाँ पर इसका सारा प्रयोग हुआ। इसी प्रकार रीयूजेबल PPE किट्स हमारे एटॉमिक एनर्जी विभाग ने तैयार की। वेंटिलेटर, जिसमें बाद में कोलेबोरेशन IIT कानपुर की हुई, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से हुआ। तो काफ़ी मात्रा में रेमडेसिविर का प्रयोग यहाँ पर होता रहा। और अगर कुल मिलाकर के देखें, अगर आने वाले समय में, तो गगनयान हमारा मिशन 2023 में उसकी हमने योजना बनाई। उससे पहले जो अनमैन्ड मिशन हैं वो दो कल आने वाले समय में 2022 में रहेंगे। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, सर, दिस इज आल्सो इन अलाइनमेंट विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी।